कुछ लोग तो सनातनी होकर के भी सनातन की जड़ें काटते हैं। आज हम सुबह से न्यूज पढ़ रहे थे, दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कोई स्टालिन हैं, उनकी बुद्धि फिर गई, उनको अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे उनका दिमाग खराब हो गया हो, पागलखाने की जरूरत है। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। हैं? अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। तुम तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी, दादा परदादा चले गए, तुम भी चले जाओगे, सनातन तो मिटाना दूर की बात है, सनातन के एक बच्चे को तुम मिटा नहीं पाओगे। और हमारी प्रार्थना है इस प्रकार के जो बयान देते हैं, जो सनातन के खिलाफ देते हैं, ये राम का राज्य है, हमारी भारत के लोगों से प्रार्थना है ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ताकि वो भारत से ठटरी और गठरी दोनों बंधवा ले। देखो माई बाप, लोग हमसे कहते कि आप इतना बेबाक बोल देते हो, क्या दिक्कत? अरे हम बेबाक नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अरे साधु ही बेबाक नहीं बोलेगा, व्यास पीठ ही सत्य नहीं बोलेगी, तो पर सत्य बोलने का ठेका किसने ले रखा? देखो चाहे जो हो जाए, हम तो बोलेंगे, बोलो जय सियाराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अब राम जी बचावे, उनसे तो दूसरा